हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। देखिए, मैं आज अपने इफ्तार में चावल की फिरनी बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने 1 लीटर दूध लिया है और थोड़ा सा चावल पीस के पहले ही रख लिया था, मैंने दिखाना भूल गई थी। देखिए, इसमें चावल, जब ये दूध खोलने लगे तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिया है। अब धीरे धीरे मैं इसको अपने हल्के हाथों से चलाऊँगी। चलाते चलाते जब इसमें उबाल आने लगे, अब मैं इसको धीमी आंच पर धीरे धीरे हल्के हाथों से चलाऊंगी, क्योंकि इसको लगातार चलाना पड़ता है। लगातार चलाते रहने से ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार होता है। अगर हम धीरे धीरे चलाएंगे और तेज़ आंच पे चलाएंगे तो इसमें रोड़ा बन जाएगा। अब देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लिया है और इसमें थोड़ा सा प्राग का मिल्क पाउडर ऐड करूँगी और धीरे धीरे इसको अपने हल्के हाथों से चलाऊँगी ताकि ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये मिक्स जब हो जाएगा, देखिए मैंने इसमें 3 चम्मच अपने फिरनी में, चावल की फिरनी में 3 चम्मच मिल्क पाउडर को ऐड किया है। देखिए 1 2 3 3 चम्मच ऐड किया है। अब ये जब हम इसको धीरे धीरे अपने हाथों से चला लेंगे और इसके बाद जब ये पूरा तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको अपनी फिरनी में ऐड करेंगे। अब हम इसको अपनी फिरनी में ऐड करने जा रहे हैं। देखिए, ये पूरी तरह से इसका फिरनी बन के तैयार हो रहा है। अब इसको हल्के हाथों से धीरे धीरे चलाएंगे, क्योंकि इसको भी चलाते ही रहना पड़ता है। चलाते चलाते जब ये पूरी तरह से खोल जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा ये गड़ी का बुरादा ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसको सजाने के लिए काजू बादाम किशमिश भी ऐड करेंगे। देखिए, इसमें जो खोल रहा है तो इसमें हमने थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर दिया है। जब ये खोलने लगेगा तब इसमें हम गड़ी का बुरादा और जो भी अपनी तरफ से आप लोगों के घर में जो मौजूद है, जैसे काजू बादाम किशमिश अलावा कुछ भी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। रमज़ान में कुछ न कुछ हमेशा बनाना ही पड़ता है, क्योंकि दिन भर आदमी रोज़ा रहता है तो मूड कुछ न कुछ खाने का करता ही रहता है। इसीलिए हमको रोज़ एक ना एक नया आइटम बनाना ही पड़ता है और जो रोज़ा खोलने के बाद खाने में बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग भी अगर मेरी ये रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो अपने घर पे इफ्तार के लिए ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही आसान है और घर पे आसानी से बन जाती है। अब देखिए, मैं ये धीरे धीरे हल्के हाथों से चला रही हूँ। इसको धीमे आंच पे बनाना पड़ता है, क्योंकि ये तेज़ आंच पे बनाने से ये थोड़ा सा इसमें रोड़ा आ जाता है। अब देखिए, ये खोल रहा है। खोलते खोलते जब ये पूरी तरह से इसमें पक जाएगा, ये चावल इसमें जो हमने पीस के डाला है ये गल जाएगा, तब इसका स्वाद आएगा। देखिए, इसमें हमने गरी का बुरादा डाला है। अब इसको हम हल्के हाथों से चलाएंगे और फिर इसके बाद धीरे धीरे जब ये पक जाएगा तब इसमें हम थोड़ा सा वो डालेंगे, इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से क्या है कि उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, और जिसको पसंद है वो डाल सकता है, जिसको नहीं पसंद है वो ना डाले, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा काजू बादाम ये किशमिश पहले से छिल काट के रख लिया था, अब इसमें डाल दिया है। इससे क्या होता है कि इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब इसको हम एक प्याली में निकालेंगे और खाने के लिए सर्व करेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप ज़रूर घर पर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।